डियर चिल्ड्रेन, मैं दुलाचंदा स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम लोग एक्सरसाइज 12 को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 5 का मैथ है, चैप्टर 3 है। और अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें है थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो कि बनाने में हम लोगों को ज़्यादा मजा आएगा। तो आइए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको पहले पढ़ के देखते हैं। फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड सम बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10,000। इसको समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है आप उस पर ध्यान दीजिए। नियरेस्ट 10,000 ये है, और एस्टिमेटेड, ये क्वेश्चन जो है एस्टिमेटेड है। एंड एक्चुअल, एक्चुअल तो आप लोग जानते ही हैं। एक्चुअल एड मतलब इसको जोड़ना है, सम प्राप्त करना है एक्चुअल में। तो अगर इसको हम जोड़ देते हैं सिंपली तो एक्चुअल सम मिल जाएगा हमको, लेकिन एस्टिमेटेड करना है और नियरेस्ट 10,000। नियरेस्ट 10,000 में हमको करना है, तो कैसे करेंगे इसको समझना है। सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं एक्चुअल नंबर को। तो 279 हो गया, फिर 9 हो गया, 5, 9 to 11 1 बच गया, और 3 1 4 हो गया, और यहाँ भी 4 हो गया। ये हो गया एक्चुअल। अब हम लोग इसको करेंगे एस्टिमेटेड में। तो क्या कहा गया है यहाँ ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान रखिए। यहाँ पे नियरेस्ट 10,000, तो 10,000 हम लोग गिन लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000 ये है। तो यहाँ पे बदलाव आएगा और ये सारे जीरो बन जाएंगे। तो वो कैसे बदलाव आएगा, यहाँ पे बदलाव आएगा या नहीं आएगा, इस डिपेंड करता है। आप जस्ट बैक में आ जाइए, एक पीछे आ जाइए राइट साइड में, और यहाँ पे इसको देखिए। अगर ये 5 है या 5 से ज़्यादा है तो ये 1 बढ़ जाएगा, और अगर 5 से नीचे है तो ये इतना ही रहेगा और बाकी सब जीरो हो जाएगा। तो उस स्थिति में भी बाकी सब जीरो होगा जब यहाँ पे बढ़ जाएगा, और नहीं बढ़ेगा वैसे स्थिति में भी यहाँ पे जीरो होगा। मतलब ये जीरो होने वाला सिचुएशन इसका बन जाएगा, और सब में इसी प्रकार का बनेगा। जब एस्टिमेटेड किया जाता है तो सब में जीरो बन जाता है। तो नियरेस्ट 10,000, तो 10,000 यहाँ है, तो इसके बाद का नंबर बनेगा, इधर वाला नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे आप। तो हम लोग ये जो नंबर है वो तो रहेगा ही, 3 लिख देते हैं, और 2 के बाद ये 5 से ज़्यादा है। अभी आपको हम बताएं कि 5 या उससे ज़्यादा रहेगा तो ये बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ा देते हैं क्योंकि 5 से ज़्यादा है। ये 3 हो गया, ये बढ़ गया, इसके बाद 4 नंबर है तो 4 0 लग जाएगा इसमें, 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे इसको भी सेम वही चीज़ करना है, 10,000 एस्टिमेटेड करना है। तो यहाँ पे ये 10,000 है, और इसके बाद 2 है, मतलब 5 से कम है, तो ये बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन बाकी ये सब जो है जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, यहाँ कोई बदलाव नहीं होने वाला है, यहाँ भी बदलाव नहीं होगा क्योंकि 2 है उसके बाद, तो ये सारे जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4। और ये करेंगे हम लोग प्लस, तो यहाँ पे इसको करेंगे प्लस 0 0 0 0, और ये 4 हो गया, और यहाँ भी 4 हो गया। ये हो गया कंप्लीट, ये आंसर हो गया इसका। अब बी नंबर में यहाँ पे इसको भी सेम वही कंडीशन है, वही चीज़ करना है 10,000 में। तो 10,000 कहाँ पे है, 1000 10,000 यहाँ पे है, और इसका भी 10,000 यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग एक्चुअल एड को कर लेते हैं, 4 9 4 13 हो गया। थर्टीन और उसके बाद 1 हाथ में बच गया, फिर ये 3 और 1 4, 7 9 16 हो गया, 16 का 6 हाथ में 1 बच गया, यहाँ 5 हो रहा है और 1 6 हो जाएगा, 8 to 10 हो गया, और यहाँ पे 7 और हाथ वाला लगा के 8 हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब एस्टिमेटेड में यहाँ पे 2 है और यहाँ इसके बाद 2 है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ 5 या उससे ज़्यादा रहेगा तो यहाँ ये बढ़ जाएगा एक पॉइंट, और यहाँ पे सब जीरो हो जाएगा। अगर उससे कम रहेगा तो ये वही रहेगा, और फिर ये सब जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 में कोई बदलाव नहीं आएगा, 5 को हम लोग लिख लेते हैं, और 2 ही रहेगा, ये 2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ 2 है, 5 से कम है। तो 2 और 4 जीरो लग जाएगा इस पर, 1 2 3 4, और यहाँ पे 8 है उसके बाद 3 है, मतलब 5 से नीचे है, तो ये 8 ही रहेगा और सारा जीरो हो जाएगा। तो 2 8 और 4 0 इस पर लगेगा, लग गया। अब इसको हम लोग करेंगे प्लस, क्योंकि प्लस करने के लिए कहा गया है, यहाँ पे 0 0 4 0 आ जाएगा, और 8 2 10 हो गया, तो यहाँ पे फिर 1 0 आ जाएगा, और 7 और 1 हाथ वाला लगा के 8 हो गया। ये हो गया कंप्लीट, ये आंसर हो गया इसका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बार बार देने का क्या मतलब है, कई बार हम आप लोगों को बता चुके हैं, कोई भी चीज़ बच्चे एक बार में नहीं सीख पाते, तो जिसके वजह से उसको एक ही चीज़ को कई बार दिया जाता है, जिससे रिपीट होते होते वो बच्चा जल्दी सीख जाता है। इसी चीज़ को आप लोग और पिछले क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 4 में, और फिर वही चीज़ इसमें दिया हुआ है।
तो इसका कारण यही है, हम लोग इसको पढ़ते हैं, फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड सम बाय राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट लाख। अब यहाँ पे पहले तो 10,000 बतला रहा था, अब ये लाख में आ गया है। सबसे पहले हम लोग करते हैं इसको, एक्चुअल सम को ऐड करते हैं, 595 14 हो गया, 14 4 1 बच गया, और यहाँ पे हो गया 3 6 हो गया, 8 और यहाँ 10 हो गया, 0 और यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, ये हो गया कंप्लीट। अब इसको एस्टिमेटेड में हम लोग आएंगे, तो इसका लाख का एस्टिमेटेड करने के लिए बोला गया है नियरेस्ट लाख, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो हम लोग 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, लाख में ये लास्ट डिजिट है, तो इसका भी वही है यहाँ पे। तो ठीक, इसके पहले वाला देखते हैं, 8 है यहाँ पे, इसका मतलब ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये बढ़ जाएगा और यहाँ पे होगा 50, तो यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हम लोग 5 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया कंप्लीट। और इसमें भी सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, 5 से नीचे है, इसका मतलब है कि हम लोग का ये नंबर जो है सेम रहेगा और यहाँ पे 50 लग जाएगा, तो 1 लग गया और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये हो गया कंप्लीट। अब इसको हम लोग करेंगे ऐड, तो यहाँ पे 5 0 लग जाएगा, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 और 1 4, ये हो गया कंप्लीट, ये इसका आंसर है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर बी में, तो इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक्चुअल ऐड जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 7 3 13 हो गया, 5 8 13 1 बच गया, 9 7 16 हो गया, 16 और 1 17 हो गया, 1 बच गया तो यहाँ पे 3, 10 हो गया तो यहाँ 0 1 बच गया, ये 6 और 1 7, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे लाख कहाँ पे है, 100,000 10,000 लाख यहाँ पे है और यहाँ पे लाख है, तो इसको एस्टिमेट करने के लिए इसको बैक में देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो है इसके पहले 2 है, मतलब 5 से कम है, ये 4 ही रहेगा, ये 1 में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये 1 जैसे के तैसे रहेगा, यहाँ 4 ही रहेगा, और कितने 0 हो जाएगा, 50, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 0 है मतलब 5 से नीचे है, तो मतलब ये 6 ही रहेगा, तो 5 6 5 6 और यहाँ पे 50 लगेगा, 1 2 3 4 5, इसको करेंगे हम लोग प्लस, तो 50 तो पहले लग ही जाएगा, इसको लगा देते हैं, ये लग गया 50 और 4 6 10 हो गया, फिर 1 0 लगेगा, 1 बचा हुआ है, 6 और 1 7, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 में भी वही चीज़ बोल रहा है, फाइंड द एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट लाख। इसमें भी लाख के नियरेस्ट में बनाने के लिए कहा गया है, एस्टिमेटेड करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक्चुअल जो नंबर है, लेकिन यहाँ डिफरेंस यहाँ पे माइनस करने के लिए कहा गया है, यहाँ पे ध्यान देना है, और नियरेस्ट लाख, तो लाख में अभी हम लोग प्लस 8 बना चुके हैं और अभी माइनस करना है इसको, तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअल माइनस कर लेते हैं, 9 में 3 6 हो गया, 1 2 और 7 में 5 तो 2 हो गया, यहाँ 12 में होगा 8 4 और यहाँ 4 में 2 2, ये हो गया एक्चुअल डिफरेंस। अब हम लोगों को करना है इसका एस्टिमेटेड, तो नियरेस्ट लाख, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, यहाँ लाख और यहाँ लाख, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके टिक पीछे हम लोग देखते हैं, तो क्या है 2, 5 से कम, तो इसका मतलब ये 5 रहेगा और 50 आ जाएगा, तो 5 पे 50, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 2 और 8, इसका मतलब है कि 5 से ज़्यादा है, ये बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो गया 3 और इस पर 50 आ जाएगा, ये 50 और माइनस होगा इसमें, तो यहाँ पे 50 सिंपली आ जाएगा, ये आ गया 50 और 5 में से 3 2, ये इसका आंसर हो गया कंप्लीट। अब बी नंबर में हम लोग आते हैं, एक्चुअल माइनस, इसको पहले कंप्लीट करते हैं, यहाँ पे 7 है और 9 है तो मतलब होने वाला नहीं है, तो 17 में 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 5, 17 में 9 8 8 10 17 होता है, तो यहाँ 5 बच गया, ये 5 और 5 में 3 2, 9 में 7 2 और यहाँ पे 8 1 8 माइनस नहीं होगा 1 से, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 8, तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1, ये हो गया एक्चुअल डिफरेंस। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको करेंगे एस्टिमेटेड, तो यहाँ पे 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, लाख यहाँ पे है तो यहाँ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लाख के घर में यहाँ नहीं है, तो पहले हम लोग इसको करते हैं, यहाँ 2 है और इसके टिक पीछे 1 है, मतलब 5 से नीचे, मतलब ये 2 ही रहेगा, तो 2 पे 50 लग जाएगा, 2 1 2 3 4 5,
ये हो गया। अब यहाँ पे नहीं है और यहाँ 8 है, मतलब अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, तो मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे और सारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 और 5 0 इस पर लग जाएगा, इस पर 5 0 लगा दिए और होगा माइनस। तो यहाँ पे इसको करेंगे माइनस, यहाँ पे सिंपली 5 0 आ जाएगा और 1 में से 1 1, ये आंसर इसका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए फार्मर प्रोड्यूस्ड, एक किसान इतना उत्पादन करता है, और ये जो नंबर दिया हुआ है इतना केजी व्हीट गेहूँ इतना उत्पादन करता है एंड इतना केजी पल्सेस और इतना दाल उत्पन्न करता है इन ए ईयर एक साल में। एस्टिमेट हिज टोटल प्रोड्यूस बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट लाख में इसको जो है दिखाना है टोटल, उसको मतलब उसको ऐड करके दिखाना है। तो यहाँ व्हीट प्रोड्यूस इतना दिया हुआ है, ये केजी में है, और पल्सेस प्रोड्यूस इतना दिया हुआ है। तो इसको एस्टिमेटेड करने के लिए यहाँ पे इसको एस्टिमेटेड कर देते हैं, एस्टिमेटेड। अगर इसको एस्टिमेटेड करते हैं नियरेस्ट लाख, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 लाख, ये दोनों लाख में ही दिया हुआ है, तो 3 के बाद 9 हो गया, मतलब है कि 5 से ज़्यादा है और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 पे 5 0 लग जाएगा, तो इसको 4 1 2 3 4 5, 4 पे 5 0 और 1 के बाद 2 दिया हुआ है, ये लाख में है, और यहाँ इसके टिक पीछे में 2 मतलब 5 से नीचे, मतलब ये 1 ही रहेगा। 1 पे 5 0, 1 2 3 4 5, 5 0 हो गया, और इसको करेंगे हम लोग प्लस क्योंकि टोटल मांग रहा है, तो ये प्लस हो गया, 5 0 सिंपली आ जाएगा यहाँ पे, 5 0 आ गया और ये 4 और 1 5, इतना केजी हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं और इसको हम लोग ठीक से पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है। ए फ्रूट सेलर बाउट, ये नंबर जो दिया हुआ है इतना बनाना, एक फल बेचने वाला इतना बनाना खरीदता है और इतना ऑरेंजेस खरीदता है एंड इतना एप्पल्स, ये तीन फल जो है इतने अमाउंट में खरीदता है फ्रॉम द होलसेल मार्केट, थोक मार्केट से, थोक बाजार से इतना वो फल खरीदता है, राउंड ऑफ द नियरेस्ट लाख एंड एस्टिमेट द टोटल फ्रूट्स बाउट। तो यहाँ पे एस्टिमेट करने के लिए कहा गया है, जितना टोटल जो फ्रूट खरीदा गया है उसका एस्टिमेट करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ नियरेस्ट लाख में कहा गया है, तो यहाँ पे इसको हम टिक कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि ये काम करना है। बनाना का यहाँ दिया हुआ है और ऑरेंजेस का दिया हुआ है और एप्पल्स का दिया हुआ है, नंबर मैंने पहले से लिख दिया है, तो अब इसको एस्टिमेटेड करके टोटल करना है, एस्टिमेटेड इसको टोटल करते हैं, 100,000, 10,000 लाख, ये लाख है, यहाँ भी लाख है और यहाँ भी लाख है, तो 2 के बाद 8 है, इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 3, 3 पे 5 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया। ऑरेंजेस के लिए यहाँ 3 के बाद 0 है, इसका मतलब ये 3 रहेगा क्योंकि ये 5 से ऊपर है नहीं, तो 3 रहेगा और 3 पे 5 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया। और यहाँ पे एप्पल्स, यहाँ पे 4 है और 5 यहाँ पे, ठीक उसके बाद 5 है, मतलब है कि ये बढ़ जाएगा, 5 या उससे ज़्यादा रहने पर बढ़ जाता है, तो 4 यहाँ पे 5 हो जाएगा और 5 पे 5 0, तो यहाँ 5 हो गया, 1 2 3 4 5, इसको करना है प्लस, तो यहाँ पे 5 0 आ जाएगा, 4 5 और यहाँ पे 5 6, 6 5 11 हो गया, तो ये हो गया 11, इतना फ्रूट्स हो जाएगा उसने टोटल इतना फ्रूट्स खरीदा, तो ये हो जाएगा फ्रूट्स और ये आंसर इसका हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे अब हम लोग चलते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 6, इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ए स्कूल नीड्स, यहाँ पे जो रुपया दिया हुआ है इतना आवश्यकता है स्कूल को फॉर इट्स बिल्डिंग, उसको बिल्डिंग बनाने के लिए, इट हैज़ ओनली इतना जो अमाउंट दिया हुआ है इन इट्स अकाउंट, उसके अकाउंट में इतना पैसा है, एस्टिमेट द मनी बाय राउंडिंग अप टू द नियरेस्ट लाख, नियरेस्ट लाख पे इसको जो है राउंडिंग करना है, एस्टिमेट करना है, इट हैज़ स्टिल टू रेज, और फिर इसको बिल्डिंग खड़ा करने के लिए कितने रुपये की आवश्यकता होगा, तो नीड्स ये है और इसके पास इतना है, इसको हम लोग को करना होगा माइनस, तब पता चलेगा कि इसको और कितनी आवश्यकता है, तो नियरेस्ट क्या है, नियरेस्ट लाख, यहाँ पे इस पे ध्यान रखना है, तो 100,000, 10,000 लाख, लाख यहाँ है और लाख यहाँ है, तो एस्टिमेट करेंगे हम लोग इसको, एस्टिमेटेड, और 4 जो है मेरे पास वो सेम वही रहेगा, 4 और 9 के बाद है 8, इसका मतलब ज़्यादा है,
फोर, इसका मतलब ये फोर नहीं रहेगा, ये फोर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अगर इसको हम बढ़ाते हैं तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा क्योंकि नाइन है यहाँ पे, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो फिर इसको क्या करना होगा, यहाँ पे ये बढ़ा और यहाँ पे ये फाइव हो जाएगा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, करते हैं फाइव फाइव, और यहाँ पे टू फोर और सिक्स, इस पर सिक्स जीरो आ जाएगा, फाइव पे सिक्स जीरो, तो इस पर हम लोग सिक्स जीरो लगा देते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव पे सिक्स जीरो, और यहाँ पे है फाइव और फिर है ये नाइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा फाइव, एक पॉइंट बढ़ेगा सिक्स हो जाएगा, तो थर्टी सिक्स पे फाइव जीरो, थर्टी सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव, इसको करना होगा हम लोगों को माइनस, तो इसको करते हैं माइनस, यहाँ पे जीरो जीरो फाइव जीरो सिंपली रहेगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस करने के लिए हमको इससे कैरी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे टेन हो जाएगा, टेन में से सिक्स फोर, यहाँ बच गया फोर, फोर में से थ्री वन, तो इतने रुपयों की उसकी उसे और आवश्यकता पड़ेगा, तो ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पे है लेकिन इसमें जगह नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पिछले पेज में कुछ जगह बचा हुआ था उसको यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन एक्सपोर्टर हैज एन ऑर्डर टू सप्लाई इस अमाउंट का सट, एक एक्सपोर्टर मतलब जो माल भेजता है उसने इतना सट सप्लाई किया, भेज दिया, उसे ऑर्डर मिला भेजने का, ही हैज़ इतना सट्स इन स्टॉक, लेकिन उसके स्टॉक में इतना ही सट है, हाउ मेनी मोर सट्स हैज़ ही टू अरेंज, उसे और कितना सट भेजने के लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट लाख, तो नियरेस्ट लाख का ये राउंडिंग बनाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका नंबर लिख लेते हैं, यहाँ पे उसको ऑर्डर मिला, ऑर्डर कितने सट का मिला, 380519, और उसके पास है, उसके पास कितना है, ही हैज 213456, उसके पास इतना है। अब इसको एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेटेड तो नियरेस्ट लाख का, वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड लाख, तो लाख पे है, अंतिम डिजिट इसका लाख पे है, तो इसको इसका एस्टिमेट करते हैं, थ्री एट है, तो इसका मतलब है कि ये फोर हो जाएगा और फाइव जीरो लगेगा उस पर, ये फोर और इस पर वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो गया, और यहाँ पे टू है और इसके जस्ट पीछे वन है, इसका मतलब ये बढ़ेगा नहीं, टू रहेगा, टू और इस पर वन टू थ्री फोर फाइव जीरो आ गया, और इसको करना होगा माइनस, तो यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, फाइव जीरो ऑलरेडी इस पर आ जाएगा, और फोर में से टू तो टू हो गया, तो इतना सट्स की उसको और आवश्यकता पड़ेगा, ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर एट पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे ध्यान से। ए बिग कार कॉस्ट, एक बड़े कार का कीमत इतना है, एंड ए स्मॉल वन कॉस्ट इतना, और एक छोटे कार का कीमत इतना है, एस्टिमेट द डिफरेंस इन देयर कॉस्ट, अब इसको एस्टिमेट करना है, और इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, नियरेस्ट एस्टिमेटेड कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग लास्ट डिजिट जो है उसका एस्टिमेट करेंगे, तो यहाँ पे बिग कार कॉस्ट ये है और स्मॉल कार का ये है, तो यहाँ डिफरेंस करने के लिए कहा गया है, इस पर ध्यान देना है, डिफरेंस कितना डिफरेंस है, तो इसको एस्टिमेटेड करते हैं, इसको एस्टिमेटेड, तो यहाँ पे एट है और एट के बाद वन, मतलब ये बढ़ने वाला नहीं है, एट ही रहेगा, तो एट के बाद फाइव जीरो लगेगा, एट वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो गया, और यहाँ पे है थ्री और थ्री के बाद एट है, मतलब ज़्यादा है फाइव से ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि ये बढ़ेगा, फोर हो जाएगा और फोर पे फाइव जीरो लगेगा, ये फोर हो गया और उस पर फाइव जीरो टू थ्री फोर फाइव, इसको करेंगे हम लोग माइनस, क्योंकि डिफरेंस कहा गया है, और ये हो गया माइनस, यहाँ पे फाइव जीरो लग गया और एट में से फोर तो फोर, तो ये हो गया इसका आंसर, ये रुपीज़ में दिया हुआ है तो रुपीज़ आंसर, ये कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर नाइन में हम लोग आते हैं, और ये क्या कह रहा है, सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। राइट इन द बेटर वे, इसको बढ़िया तरीके से लिखने के लिए कहा गया, तो ऑलरेडी ये कैसा लिखा हुआ है, आई एम 15 ईयर्स 3 मंथ्स 8 डेज ओल्ड, इस तरह से पूरा डिटेल मतलब गया है, इसको हम लोग या कोई भी किस तरह से कहेगा, तो 3 मंथ 8 डेज उतना बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, एस्टिमेटेड क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इसको भी एस्टिमेटेड करना है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, ये बेटर हो जाएगा, तो इसी को लिख देते हैं,
इसका आंसर हो जाएगा आई एम ओल्ड, ये हो गया। इतना टीचर्स आर वर्किंग इन प्राइमरी स्कूल्स इन ए कंट्री, तो इसको अगर एस्टिमेटेड हम करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसको बेटर तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो 28 दिया हुआ है तो 2 और 8 इसका मतलब है कि ये बढ़ जाएगा, ये 3 होगा और यहाँ पे 2 2 2 6 0 लग जाएगा, तो इतना 3 1 2 3 4 5 6 टीचर्स, 30 लाख टीचर्स आर वर्किंग इन प्राइमरी स्कूल इन ए कंट्री। अब सी नंबर में क्या कहा जा रहा है, इतना 4,892 पर्सन अटेंडेड द फंक्शन, इतने लोग फंक्शन में अटेंड हुए, तो इसको बेटर रूप में क्या कहा जाएगा, 4 के बाद 8 है तो ये 5 डायरेक्ट कर देते हैं, 5,000 पर्सन अटेंडेड द फंक्शन, ये सही तरीका है। और ये जो है क्वेश्चन नंबर डी में, आई स्पेंट इतना रुपया ऑन बाइंग ए सूट, एक सूट खरीदने में मैंने 8,110 रुपया खर्च कर दिया, तो इसको बेटर रूप में कैसे लिखा जा सकता है या कहा जा सकता है, तो आई स्पेंट 8,000 रुपीज ऑन बाइंग ए सूट, ये बेटर रूप में ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 12 पूरी तरह समाप्त हो जाता है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ मदद जरूर मिल रहा होगा। अगर आप लोगों को मदद मिल रहा है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट चैप्टर को, नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।